अलीगढ़ में अवैध अतिक्रमण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के बीच बड़ा बखेड़ा सामने आया है, जहां नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के द्वारा अवैध झुग्गी झोपड़ी सहित अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। तो इसी बीच नगर निगम क्षेत्र में मौजूद भानु गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष के कार्यालय पर नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा बुलडोजर चला दिया गया, जिसको लेकर भानु गुट का गुस्सा सातवें आसमान पर जा रहा है। ये कहा है कि किसानों का उत्पीड़न निरंतर हो रहा है, जो उन बैठ जाओ काम एमएसपी को लेकर किसानों के आत्महत्या ऐसा है। सबसे पहले इस भारत की लोकतंत्र की बाद 547 राजपूत राजाओं को नेस नाबूद करके ये लोकतंत्र आया था। इस लोकतंत्र के प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल बने थे, वो कांग्रेस के लीडर थे, और उस समय थोड़ा फिर ज़्यादा, फिर जब से ये सोनिया गांधी आई हैं और राहुल गांधी आए हैं, तब से सिवाय लूट के इन्होंने कुछ नहीं किया। आज सोनिया गांधी का खाता देखा जाए, क्या खरब रुपया आए, कहाँ से आए, इटली से लाई, और अब कह रही हैं क्या ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, सत्ता से भाग गई हैं तब किया जा रहा है। मैं 11 में गया था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे मनमोहन, हमने कहा था देश बचाओ, किसान आयोग का गठन करो, यमुना बचाओ, गंगा बचाओ, क्यों नहीं बचाई। फिर 13 में गए थे, तब बाबा ने कह दिया नहीं मान रहे, तो कह दो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ। कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र, कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र, और बहन जी उत्तर प्रदेश की का धन तंत्र, और भैया जी और ताऊ के भैया मुलायम सिंह का लठ तंत्र खत्म करने के लिए आए हैं योगी बाबा और मोदी बाबा, और विरोधी तो बकते रहेंगे। मेरी मांग है कि राहुल की और राहुल की मम्मी सोनिया गांधी की और प्रियंका गांधी की और प्रियंका गांधी के पति उस बड़े रा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इनका धन कहां से आया? आरोप जो लगा रहे राहुल गांधी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, वो जो सत्ता से भाग जाता है वो झूठे आरोप लगाता है, 100% झूठ है। वो ये कह रहे हैं कि यातनाएं दुगनी हुई हैं फसल, यातनाएं कहते हैं, किसानों की यातनाएं दुगनी हो गई जबकि उन्होंने ऐसा है। कांग्रेस की प्रधानमंत्री ने एक बार सारी पार्टियों के नेताओं पर राजकुआ लगाकर सबको जेल कटवा दी थी, 2 साल की, 22 महीने की। वो कौन थी, इनकी अम्मा थी कि दादी थी? राहुल पे आ गया पागलपन, और पागल इसलिए आ गया शादी की नहीं है, कहीं गोपनीय कर ली हो। जब तक शादी के चक्कर में आदमी रहता है और शादी होती नहीं है तो दिमाग में टेंशन हो जाता है, उनको पागल खाने में जमा कर दिया जाए। राहुल ऐसा है, नगर आयुक्त कार्यालय में नगर आयुक्त जो तानाशाही कर रहे हैं, और अलीगढ़ में तमाम मकानों को जो मुख्यमंत्री के आदेश के विपरीत तोड़वा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी के और भाजपा के सरकार के समर्थक हैं। जब तक नगर आयुक्त तो और अब बात करने नहीं आ रहे, नगर आयुक्त ने नगर उप आयुक्त तो फलाने आयुक्त तो भेज दिए हैं, जब तक नगर आयुक्त तो बात नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। क्या लगता है, बिल्डोजर सही नहीं चल रहा है? बिल्डोजर सही नहीं चल रहा, बिल्डोजर स्वार्थ से चल रहा है। जो पैसे देता है उसके मकान नहीं टूटते हैं, और जो पैसे नहीं दे पाता है गरीब उसके मकान टूटते हैं। इन नगर आयुक्त को हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इन नगर आयुक्त को यहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन भारतीय किसान भानु छेड़ सकती है हमारे नेतृत्व में। धरने पे बैठे गए, पागल हैं जो धरने पे बैठे हैं, तो धरने पे ही बैठे हैं। तो जब तक आयुक्त आ जाएंगे बात करके चले जाएंगे, लेकिन ये हटाए नहीं जाएंगे नगर आयुक्त सरकार के द्वारा, तो फिर यहाँ राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन छेड़ा जाएगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हूँ, मैं तो केवल आज बात करने आया था, नहीं बात करेगा क्या? योगी सरकार के आदेश की अवहेलना 100% कर रहे हैं ये नगर आयुक्त। योगी बाबा ने कहा है जब तक उनके इंतजाम नहीं कर रहे हैं गरीबों की झुग्गी झांपड़ी न उतारी जाए, हमारे बात पे कहा था। और ये नगर आयुक्त अलीगढ़ बहुत बदी पे हैं,
ये तो सरकार को बदनाम करने के चक्कर में है, योगी बाबा को बदनाम करने के चक्कर में। नगर नहीं आई तो फेसबुक पर डाल दूंगा कि नगर आयुक्त में भानु प्रताप सिंह बैठा है, पूरे देश के लोग यहाँ हमें अलीगढ़ में जगह नहीं मिलेगी, जाम हो जाएगा। ठीक।